जय गुरु बाबा। धन्यवाद दिदी। आज यो विशेष कार्यक्रममा मलाई पनि थोरै समय दिनुभएको छ, त्यसमा चाहिँ एउटा कविता छ जुन चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ थारू भाषामा कविता छ, थारू भाषामा पनि पश्चिमतिरको थारू भाषामा यो कविता छ। कविता छ, केकर हो साम्राज्य, कसको साम्राज्य भयो, हुज एम्पायर इज दिस। यो कविताको रचनाकार हुनुहुन्छ इन्द्रु चौधरी, र उहाँकै कविता म यहाँ पढ्न जाँदैछु। केकर हो साम्राज्य जहाँ मोर दाई महिन जन्म दिए बेर, असह्य पीड़ा बोके अय्या कहके चिल्लाई बेर, जोर से ना चिल्लाओ कहके आदेश पाए रही, दाई हुकन चित्कार करना में लगाम लगेना, केकर हो साम्राज्य जहाँ मोर दाई बड़ा छोट नसरी में बांध के निर्धारित दायरा में दूर नहीं जाई कहके खूटी में ठोक दिल रहे, दाइन के खुला नेंगे नहीं देख लाग लोहा खूटी में ठोकिया, केकर हो साम्राज्य जहाँ मोर दाई है हुकार पहचान वो सामर्थ्य के सजना मैना गाए निषेध कर गिल, वो साली भाटू के गीत किल गाई सिखा गई, दाइन के आपन मुक्ति के गीत गाई छिपिया, वो राह रंगी राग में कई कर लिया, केकर हो साम्राज्य के हो जे मोर दाई जीव छीनल, मोर दाई मुँह में गुज्जा लगाए, वो ऊ बेला गिल खोलना अनुमति देहल जोन बेला मोर दाई आवाज ले ओकर साम्राज्य के पक्ष पोषण कर, ऐसी मोर दाई मौलिक आवाज ही गुमनाम बना गिल, मोर दाई माटी में गोबर वो भूसा मिला के घरे भिटा वो बहरी निपे बेर ठोर से अपन आवाज फिर निकली, दिहुआ खटुआ में आलू वो मकई गबेले बेर छोट छोट ढेला संगे ठोर से अपन आवाज फिर गबेली, बरखा में बियार लगाए बेर माटी भीतर बिहारी जर दबाए बेर सोचे अपन आवाज हेन दबेगी, निपत निपत गबेलत गबेलत दबाए दबाए सक्कू दाई हुकरे आवाज विहीन बना गिल, सक्कू दाई हुकर के आवाज गुमनाम बना गिल, मैं स्वस्थ हूँ आज के दिन मुहम बुद्ध लगा गिल, दाई हुकरे कैसे अपन भाषा हस्तांतर से रही, मैं स्वस्थ हूँ आज के दिन मुहम बुद्ध लगा गिल, दाई हुकरे कैसे अपन भाषा हस्तांतरण करिनी, कस्तु के कई डरले से फेन हुकार मोहन बुज्जा लगुया साम्राज्य की भाषा हस्तांतरण करी, कि हजारों बरस पहले निपगिल गबेल गिल दबागिल ओ ऊ बेला हिम्मत करे नहीं सेकल प्रतिरोध के भाषा हस्तांतरण करी, ओ ऊ बेला हिम्मत करके करे नहीं सेकल प्रतिरोध के भाषा हस्तांतरण करी। धन्यवाद। यस्तो जोसका साथ यति जोसका साथ मैले लेखेको पनि थिइनँ। जोसका साथ कविता प्रस्तुत गर्नुभएकोमा